जो वीर्य है या तो बच्चे पैदा करने के लिए है या फिर बाहर जाकर नष्ट हो जाता है। अंतरतम की गहराइयों में शिव विराजमान है। केवल राम ही सत्य है, जिसे आप मैं कहते हैं, जिसे आप मेरा कहते हैं, दोनों झूठ है। कहाँ गया मैं, कहाँ गया मेरा, किस भ्रम में आप जी रहे हो? ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं काम कलाओं का निरूपण, और इसमें चार स्टेजेज हैं। तो स्टार्ट में ही काम वासना है, संसार है, मन है, और जैसे ही आप अगले स्टेज में जाएंगे तो आपको शांति की अनुभूति होती जाएगी, आपके मन के विकार शांत होते जाएंगे, और ऊपर में जो आप फूल वगैरह बने हुए देख रहे हैं एक्चुअल में मोक्ष को दिखाता है। तो हर मूर्ति में जहाँ पर काम कलाओं का निरूपण है वहाँ पर चार स्टेजेज हैं दोस्तों, इस बात को आप समझिए। यहाँ पर केवल काम वासना को जगह नहीं दी गई है, काम वासना को सबसे नीचे रखा गया है और उसे ऊपर उठने की बात कही गई है इस मंदिर में। यही इस मंदिर का रहस्य है दोस्तों। और ये आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। यहाँ पर गरुड़ जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और भी देवी देवताएं हैं, तो इनके दर्शन होते हैं जब आप मन के पार जाते हैं। सूक्ष्म लोक के देवता हैं। और यहाँ पर मुंड माला है दरवाजे पे, आप देख रहे होंगे किनारे किनारे, तो एक खतरा का प्रतीक है। अंदर जाने में खतरा है, खतरा मोल लेना पड़ेगा आपको, संसार छूटने का खतरा है, क्योंकि शिव है जहाँ पर परम शक्ति है वहाँ पर संसार नहीं है। वाओ, रियली ब्यूटीफुल, आप देख रहे हैं लगभग 200 साल पुराना नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर। और ये आप देखिए भगवान शिव काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से परे अंतरतम की गहराइयों में शिव विराजमान हैं, जिसका अब अभी आप दर्शन कर रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवलिंग है दोस्तों। अब हम पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर शिव विराजमान हैं। तो ये एकमात्र प्रतीकात्मक है, इसे आप असली मत समझ लीजिए। शिव हमारे अंदर है, आपको शक्ति को जगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप शक्ति आपके अंदर जगती चली जाएगी साधना के जरिए, ध्यान के जरिए, भजन के जरिए, सत्संग के जरिए, तो जो संसारिक शक्ति है, जो तमोगुण की, जो रजोगुण की शक्ति है, वो शक्ति छीन होती चली जाएगी और ये जो विकार हैं, मनोविकार हैं, शांत होते चले जाएंगे। और जब आप अंतरतम की गहराइयों में जाएंगे वहाँ पर शिव ही हैं, आप शिव ही हैं, आप शिव से अलग नहीं हैं दोस्तों। हमारे भी जीवन की यात्रा ऐसे ही शुरू हुई थी, काम वासना से शिव तक की यात्रा। शुरू में हमारे अंदर भी ये चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही मुक्त थे। हमने बहुत संघर्ष किया काम वासना से मुक्त होने के लिए, मन को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ये संभव नहीं है, मन में कामुक विचार तो आते रहेंगे, कैसे इससे मुक्त हुआ जा सकता है। और साइंस भी यही कहता है कि तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, जो काम वासना, जो सीमेन है, जो वीर्य है, या तो बच्चे पैदा करने के लिए है या फिर बाहर जाकर नष्ट हो जाता है, इसका कोई तीसरा उपयोग नहीं है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं यही बताते हैं, और जो साइंस को मानने वाले जो हैं वो भी यही बताते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम साधना करते चले गए तब हमको एहसास होता चला गया कि काम शक्ति बहुत ही प्रचंड है, अगर उसका रूपांतरण कर दिया जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, दुनिया के किसी भी काम को किया जा सकता है। इसी काम शक्ति के रूपांतरण से शिव तत्व को भी उपलब्ध हुआ जा सकता है, और उसी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी, आपको भी हम सहायक बनना चाहते हैं, आपके लिए भी, आपको भी सहायता करना चाहते हैं कि आप संसार से परे जाने की कोशिश कीजिए संसार में रहते हुए ही। और अभी हम आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं,
अंदर में उस तरह के दृश्य आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर शिव हैं वहाँ पर वासना टिक ही नहीं सकती। शिव ने काम को भस्म कर दिया था, काम कैसे टिक सकता है, लालच अहंकार त्वेष कैसे टिक सकता है। तो अंदर शून्य है, अंदर निराकार है, अंदर परम चेतना है, सच्चित आनंद है दोस्तों। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि काम वासना है, इसका एक्जिस्टेंस है, और काम वासना से आप सभी पीड़ित हैं। अगर आपके अंदर क्रोध है, अहंकार है, लालच है, तो सभी विकार काम वासना की वजह से हैं। तो कैसे काम वासना से मुक्त हों, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। मुक्त होना चाहते हैं लेकिन मुक्त हो नहीं पाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं तब भी काम वासना का भोग भोगना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी हम आपको उपाय बताएंगे। अभी हम शमशान घाट चलेंगे, मणिकर्णिका घाट यही बगल में ही है, ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बनारस का महाशमशान मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर इंसान को संसार के वास्तविक वस्तु स्थिति का एहसास होता है। दोस्तों हम आधी रात में 12 बजे के बाद आएंगे महाशमशान मणिकर्णिका घाट। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन ये एहसास केवल शमशान में ही होता है, संसार में इसका एहसास नहीं होता है। दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम बनारस में मणिकर्णिका घाट पर आए हुए हैं, महाशमशान घाट, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे डेड बॉडीज अभी जल रहे हैं आधी रात, और कई सारे डेड बॉडीज अभी प्रतीक्षा में हैं, उन्हें भी जलाया जाएगा। तो जब भी हम बनारस आते हैं तो यहाँ मणिकर्णिका घाट जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने पर हमें वास्तविकता का एहसास होता है। क्योंकि शमशान घाट ही वही जगह है जहाँ पर मनुष्य की सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारे कर्म बंधन जलकर खाक हो जाते हैं, इंसान शुद्ध हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो सच का एहसास करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको भी हम सच का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हैं संसार में वो पूरी तरह से झूठ है, झूठ पर आधारित है। जिसे आप मैं कहते हैं, जिसे आप मेरा कहते हैं, दोनों झूठ है। ये देखिए, जिसे मैं कहता था आज कफन में लिपटा हुआ है, फूल मालाओं से लदा हुआ है, इसे थोड़ी ही देर में चलाया जाएगा, वो मैं कहाँ गया। और जिसे वो मेरा कहता था वही मेरा वो परिवार आज उसे चलाने के लिए लाए हैं, जलाकर यहाँ से चले जाएंगे। तो कहाँ गया मैं, कहाँ गया मेरा, किस भ्रम में आप जी रहे हो, किस झूठी दुनिया में आप जी रहे हो। दोस्तों आपको सच कह रहा हूँ, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी शमशान घाट में हूँ। इस संसार में हर एक व्यक्ति ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है, एक मेंटल दुनिया, एक मानसिक दुनिया, इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, वासनाओं की दुनिया, अपने संस्कारों की दुनिया, और उसी दुनिया को सच मानता है। पर वो दुनिया पूरी तरह से झूठ है, उसका वहम है, उसका भ्रम है। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे मैं और मेरा से, आप सच को नहीं जान सकते हैं। जीते जी सच को जानना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आखिर क्या वजह है कि आदमी आजीवन इच्छाओं में, लालच में, अहंकार में, वासना में अपना जीवन बिता देता है, कभी भी सच्चाई को जान नहीं पाता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, सारी दुखों का जड़ है आसक्ति। आसक्ति ही आगे चल करके वासना में बदलती है, आसक्ति ही आगे चल करके मोह में बदलती है,
आसक्ति ही आगे चल करके, आसक्ति मोह में से कंबाइन हो करके, लालच से कंबाइन हो करके अहंकार में बदलती है। तो आसक्ति मोह अहंकार लालच क्रोध, ये जो मनोविकार है, ये हमारे दुख के कारण है। इसकी वजह से हम हमेशा दुखी होते रहते हैं। तो जब आप शमशान घाट आएंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं कहने के लिए संसार में कुछ नहीं है, मेरा कहने के लिए संसार में कुछ नहीं है। आपको ज्ञान होगा, और जब आपको ज्ञान होगा तो आपकी आसक्ति खत्म होगी, और जब आपकी आसक्ति खत्म होगी तो आपके दुख भी कम होंगे, आप दुख से मुक्त होते चले जाएंगे। इसीलिए हम शमशान घाट आते हैं, आपको झकझोरने के लिए आते हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप झूठी दुनिया से बाहर निकले। हम ये नहीं चाहते कि आप सन्यासी बन जाएं, घर बार छोड़ दें, आप संसार में ही रहें। घर भी वैसे रहेंगे, बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, ये संपत्ति भी वैसे ही रहेगी, पर उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, मैं और मेरा का भाव नहीं रहेगा। जिस शिव को आप पूछते हैं, शिव मैं मेरा को जिन्होंने खत्म कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिव सूत्र का पहला सूत्र ही है मैं और मेरा का अभाव। मैं और मेरा सबसे बड़ा बंधन है, इस बंधन से आपको मुक्त होना है।